Oh, that was scary. जो लास्ट में देख भाई 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 चैनल होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। कल एक्चुअली सफ़र करने के बाद बहुत थक गया था तो ब्लॉग फिर नहीं किया, कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, तो मैंने सोचा कि हाँ यहाँ पे आ जाते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। फिर से इन्होंने म्यूजिक लाउड कर दिया, अब आप लोगों को सुनाई दे या ना दे। तो राइट नाउ आई एम एट जून स्काई रिजॉर्ट शिव सागर। सबसे पहले तो मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जो मेरे साथ हुआ था, जो मेरा फ़ोन पानी में गिरा था, वो कहाँ गिरा था वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो पूल है यहीं पे, इस जगह से मुझे धक्का मारा गया, धक्का मार के मुझे यहाँ गिराया गया। और मैंने फ़ोन पीछे फेंका बट फ़ोन सीधे यहाँ पे पानी में गिरा, तो इस वजह से फिर फ़ोन पानी में गिर गया तो ब्लॉग नहीं कर पाया। भगवान से ये दुआ की कि फ़ोन पानी में वापस ना गिरे। भाई ये क्या हो रहा है, सेल्फी स्टिक अप डाउन जा रहा है, चलो कोई नहीं। एंड मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है एंड मैं बहुत सोचा था कि क्या सरप्राइज़ दूँ उसे, क्या सरप्राइज़ दूँ, बहुत सोचा मैंने। बट इन सब चीज़ों में मैं बहुत ही वीक हूँ, लाइक क्या गिफ्ट दूँ, क्या दूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही बन जाता हूँ उसका सरप्राइज़। मैंने उसे अभी तक बताया नहीं है कि मैं आया हूँ यहाँ। रात को जब विश भी किया तभी भी मैंने बोला कि हाँ पापा नहीं मान रहे, नहीं आने देंगे एंड ऑल दिस, बट पापा एक दिन पहले मान गए थे, थैंक यू पापा। चलिए देखते हैं पहली बार मिलके कैसा लगता है। अच्छा ही लगेगा यार, क्या कैसा लगता है, कोई मूवी थोड़ी दिखा रहा हूँ। चलो चलते हैं, बस मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा, मिलते हैं, सरप्राइज़ देते हैं। एंड राइट नाउ आई एम लिटरली शिवरिंग, क्योंकि अभी उसका कॉल है, उसके फ्रेंड के पास उसका कॉल आया कि वो निकल चुकी है, 10 मिनट में पहुंचने वाली है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ऐसा किया कि हाँ उसे और एंगेज किया कि वो थोड़ा टाइम लगा क्या है, क्योंकि हमारा डेकोरेशन जो चल रहा है वो अभी चल रहा है डेकोरेशन, तो अभी तक हुआ नहीं है, डेकोरेशन होने में लेट हो गया, तो उसको एंगेज होकर थोड़ा टाइम लगा देंगे। एंड अभी भी मतलब पता नहीं क्या होगा, फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ तब तो समझेगा, उपाय क्या हमको, अरे हम उधर बैठा हुआ है, हमको सुनाई नहीं दे रहा कि तुम आ गया ना, क्या हुआ, समझ ही जाएगा, तब तो समझ ही जाएगा। वो तो ये निकला जिसको सुनाई नहीं दिया, वही तो सुनाई नहीं दिया, क्यों हम गलत टाइमिंग ना हो जाए, लेट हो चलेगा, जल्दी ना निकल जाए। काटो काटो और टाइम नहीं है केक खाने। Bless you. May God bless you. Happy birthday to you. कुछ तो बात है।
वीडियो आतंक का दूसरा नाम है इसलिए सब डरता है इससे। तो कोई नहीं तो और थोड़ा सा वेट गेन होगा क्या इतू सा दिन भर से बर्थडे पार्टी में जिसमें भी बेस्ट पर्सन मैं होता हूँ केक लेता हूँ खुद खाता हूँ बर्थडे किस कर लिया नहीं लगा यार ऐसे तो नहीं लगाता अच्छा से लगाओ नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता ना किसी के लगाता है ना कुछ एक गिरेगा तुम लोग तो फूल के अंदर गिरेगा सब तो अच्छा से यार हम खड़ा है देखो कैमरा लेके तो ये है अपने सर जी का फेस तो बाकी सब कुछ तो हो गया सरप्राइज वरप्राइज सब बढ़िया से हो गया बहुत ही अच्छा लगा मिलके तो एंड अब तो डिनर विनर सब हो गया है डिनर अभी हम लोग कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र होटल शिवसागर अच्छा है खाना वाना सही है जो नॉर्मल हम लोग खाते हैं नान पनीर बटर मसाला एंड ऑल दिस तो वही हमने ऑर्डर किया देखने के लिए कि हाँ यहाँ सही है कि नहीं तो वो भी सही है तो अगर आप लोग शिवसागर कभी आए तो यहाँ पे खा सकते हैं रेट वगैरह भी सब सही है तो एंड ऑल दिस तो सब सही है खा सकते हैं एंड अब तो थक गया हूँ तो अब चलते हैं सोते हैं कल मैं घूमूंगा जिसके लिए शिवसागर फेमस है शिव मंदिर एंड ऑल तो कल वहाँ घूमते हैं तो जल्दी से चलते हैं कल। अब भाई तुम ऐसा करो ऐसे कर दो कैमरा को थोड़ा सा हिला दो कैमरा को थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग गाइज हो गया है आज का दिन स्टार्ट अब हम लोग जाएंगे बस नाश्ता करने के लिए नाश्ता करके चलेंगे जल्दी से शिव मंदिर तो बहुत भूख लग रही है जल्दी से चल के नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं शिव मंदिर। नाश्ता वास्ता करके डन एंड नाउ वी आर एट शिव मंदिर। जूता गर्म हो गया वे जूता तो एकदम गर्म हो गया लेदर का है ना ओ ओ जूता भी गर्म हो गया। वेलकम टू डेविड ऑल द डेविड ऑल वाज बिल्ड इन 1730 तो सब डिटेल्स में लिखा था डेविड ऑल के बारे में तो यहाँ पे तीन दल हैं तीन मंदिरें हैं सबसे विशालकाय मंदिर है शिव दल एंड उसी के बगल में है देवी दल एंड उसके ठीक बगल में अगले साइड में है विष्णु दल तो तीन मंदिरों से कंप्राइज होके ये शिव दल बनता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे लोग आते हैं चिल करते हैं चिल करने वाले लोग भी हैं ना इधर है भाई चिल करने वाले लोग भी हैं ना लुआ के वो देखो चिल कर रहे हैं उन लोग बैग वैग ट्यूशन व्यूशन नहीं जा रहे हैं तो वैसा मुझे घूमने के लिए भी लोग आते हैं टूरिस्ट विजिट भी बहुत होती है यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टनल में बहुत अच्छी हवा आ रही है हाँ बट गर्मी बहुत है बट फिर भी पेड़ के नीचे हवा अच्छी चलती है यहाँ पे रिचुअल्स वगैरह देखने के लिए मिला और ये हम लोग आ गए विष्णु दल यस
बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है इतने सालों से, देखो ना मतलब काई से फूल वूल मतलब पेड़ पौधे भी चालू हो गए बनना, लाइक भाई हमारे बच्चे जब तक होंगे तब तक तो यहाँ पे बगीचा बन जाएगा ऊपर। एंड जैसा जगह का नाम है शिव सागर, तो जो नाम की इनिशियल्स के साथ होते हैं शिव, तो शिव मंदिर है यहाँ पे, शिव मंदिर मैंने दिखा दिया, अब शिव सागर, सागर भी आप लोगों को दिखाना है। और बड़ी ही मज़ेदार बात यह है, शिव मंदिर के पीछे ही है बौर फुकड़ी सागर, और यहाँ पे जो रास्ता है, देख भाई 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 भाई, भाई, भाई। अभी ये देगा एकदम स्टार्टिंग में कट जो देता है ना उसमें देगा, तो बहुत ही सुंदर लेक है ये, लाइक आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो एम्बियंस है बहुत ही सुंदर है, पानी भी साफ है ना यहाँ का, कुछ हद तक हाँ उतना गंदा नहीं है ना अपने कोलंग रिवर और ब्रह्मपुत्र, तो सुबह के टाइम एंड शाम के टाइम पे लोग यहाँ इस रास्ते पे इस मंदिर के चारों ओर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, वॉकिंग के लिए सब आते हैं, लाइक ये रोड क्लोज हो जाता है, अभी तो लाइक व्हीकल्स चल रहे हैं डे टाइम के लिए, बट बाद में ये रोड क्लोज हो जाता है, वॉकिंग जोन हो जाता है ये, तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छा लगा देख के। और यहाँ अब मुझे तो ऐसे मन कर रहा है भाई कि तो इधर यहीं पे रुक जाऊँ, ठंडी ठंडी हवा आ रही है पूरे नदी के वहाँ से, एकदम पानी भी बह बह के आ रहा है। और एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, बदबू नहीं है यहाँ पे, ठीक जितने भी हम लोग रिवर साइड देखते हैं कि इन सब पेड़ों के वजह से या कुछ की वजह से बदबू थोड़ी बहुत रहती है, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रही है। अब बहुत ही प्लेजेंट सा वेदर है, बहुत मस्त धूप निकली हुई है, 36 डिग्री सेल्सियस है, बट फिर भी ठंडी हवाएं चल रही है। तो अब चलते हैं यहाँ से, हो गया है टाइम यहाँ से चलने का, अब देखते हैं अगर कहीं और घूमने का जगह मिलता है, टाइम मिलता है, मैं शायद कल नौगांव के लिए निकलूंगा, कल की ट्रेन है, तो शायद अगर कुछ घूमने का जगह मिलता है तो घूमेंगे दिखाएंगे। अगर ये जगह अगर आपको देख के अच्छा लगा तो लाइक एक जरूर ठोक देना, ट्राई किया मतलब मुझे क्या होता है, देखो जब भी मैं कोई रिलीजियस जगह में जाता हूँ या कोई भी जगह में जाता हूँ तो कैमरा लेके उसे शूट करते रहना, भगवान जी की मूर्ति शूट करते रहना, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है पर्सनली, कि मुझे वहाँ पे एक भगवान को रेस्पेक्ट देना है या वो पंडित जो हैं जो भी वहाँ पे लोग हैं उनको एक रेस्पेक्ट देना है, तो वो कैमरा से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कैमरा पकड़ के जा रहा हूँ तो वो एक सॉर्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट होता है, तो वहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ थोड़ा, तो इसलिए इतने अच्छे भी मैं शॉट्स नहीं ले पाया, बट जितना भी लिया आप लोगों को देखने मिला, तो प्लीज़ उतने से की मेहनत के लिए लाइक एंड कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा है, नेक्स्ट टाइम के लिए कोई फीडबैक या कुछ भी। तो बस अब चलते हैं, देरी नहीं करते हैं, चलिए देरी में ही जिंदगी निकल रही है मेरी। स्टेशन पास में ही था तो मैंने सोचा कि वॉक करके आ जाओ, बट वजन लगी थोड़ा ज़्यादा ही वजन का है तो थक गया थोड़ा सा, बट हाँ कल की अगर बात करें तो कल मैंने सोचा था शिव बल विजिट करने के बाद मैंने सोचा, अब मेरा प्लान था कि फ्रेंड के घर जाने का ही, तो मैंने सोचा ब्लॉग नहीं करूँगा मैं उधर, लाइक ओके घर जा रहा हूँ ओके एंड मोमेंट को एंजॉय करते हैं उस तरीके से, बिकॉज पहली बार उसके घर जा रहा था। एंड उसी के साथ मेरे साथ क्या हुआ उसकी कुछ क्लिपिंग देखी, चलो रुको पता है थोड़ा नीचे तुम बैठ जाओ, वो तो ठीक है क्या
इस तरीके से मुझे सरप्राइज़ दिया गया। पहली बार इतना कोई स्पेशल सरप्राइज मुझे मिला लाइक अनएक्सपेक्टेडली, एंड मेरे तो आँख ही भर आए उस समय, तो बहुत ही अच्छा लगा। आंटी इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, सुची इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, सुची यू श्योरली बी वॉचिंग दिस, बट आंटी इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच फॉर द सरप्राइज, एंड यश big thanks to you for all the help and all the times you were with me and everything. Thank you so much. Thank you so much everyone. And ab jaane ka time aa gaya, train aa rahi hai, to yahi pe vlog ko end karte hain. To agar vlog dekh ke acha laga to like, comment, share, subscribe. Subscribe to kar hi denge yaar. Subscribe nahi karoge to kaise hoga? Yahan pe mausam bhi bahut hi gajab ho gaya hai. To mausam ke liye ek like, मेरे लिए एक लाइक। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल गौरव तो। ये तो इसे देख रही है जैसे कि ए तुमने किसी और लड़की से बात की, किसी और लड़की को देख रहे हो? तुम्हें कैसे पता? नहीं नहीं मैं ये सब नहीं करता।